राजा साहब आने वाले हैं, सारा स्टाफ उनके वेलकम के लिए मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाए। ये राजा साहब कौन है? I don't know. रिसॉर्ट के सारे स्टाफ उनके वेलकम करने में लग गया है। हाँ, पता नहीं। चलो हम अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। या लेट्स गो। वाओ बियर, आई लाइक इट। आइए रानी साहिबा। Handkerchief. Oh, thanks. Let's go. Hmm.
एक छोटा सा ड्रिंक लेके आता हूँ। प्लीज दो मिनट में आता हूँ। ओके। गिव मी वन ब्लैक डॉग व्हिस्की प्लीज। थैंक यू। This is Vicky Chopra. I'm Kuwar Ran Bahadur Singh. अरे सर, आपके बारे में तो बहुत सुना है। आप इस रिजॉर्ट के मालिक ही नहीं, इस राजगढ़ के भी मालिक हैं सर। आप तो राजा हैं राजा। अरे अब राजपाट कहाँ? और आप हमें राजा मत बोलिए। आप हमें कॉमन मैन समझिए और आपके फ्रेंड भी। अरे सर, खुद को कॉमन मैन बोलना आप जैसे बड़े लोगों की खासियत है सर। सर आप लोग हम जैसे कॉमन मैन में कैसे घुल मिल जाते हैं? आप तो पैसे वाले हैं सर। हमारी दौलत तो कुछ भी नहीं, आप हमारी रानी साहिबा से मिलिए। वो देखिए, वो उधर है। जूनागढ़ की इकलौती वारिस हैं। मैंने आपके बारे में सुना है कि आज भी राजगढ़ में लोग आपको राजा की तरह मानते हैं और आप भी उनकी हर तरह से देखभाल करते हैं। हाँ, वो तो हमें करनी ही है, आखिर इलेक्शन जो लड़ना है। और फिर राजघराने में पैदा हुए हैं तो फिर राजशाही ब्लड से जाएगी नहीं। और उम्मीद भी नहीं है। अरे हाँ, आप दोनों डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं। अरे सर, हमें कहाँ डांस आता है, बस हमारी वाइफ को डांस अच्छा आता है, वो हमें नचा देती है। बस यही बात है सर, आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए सर। या हम तो शो, शो। रानी साहिबा, कम लेट्स ज्वाइन देम। सर मीट माय वाइफ मोना। हाय, हेलो। दिस डांस ना? परमिशन है? ऑफ कोर्स। डांस विद मी? या।
ग्रेट। ऐसा निशाना तो कोई स्नाइपर ही लगा सकता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, हम तो उड़ती हुई चिड़िया को भी गिरा देते हैं। और चिड़िया से याद आया, जो हमने मारा है ना, ये कुछ खास है। इसको तीतर बोलते हैं और ये यहाँ के जंगलों में बहुत पाए जाते हैं। तो इसमें खास क्या है? इसको खाकर मर्द की परफॉर्मेंस बेड पे डबल हो जाती है। और आप इनवाइटेड हैं हमारे साथ डिनर के लिए। नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो क्यों, क्या हुआ, आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या इस मामले में आपकी बीवी पहले से ही परेशान है? हाँ? आपकी बॉडी को देख के यही लगता है। सर, इस बॉडी का क्या फायदा? क्यों? सर कुछ नहीं सर, छोड़िए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों यार, यंग हो, बॉडी भी फिट है और सेक्स एंजॉय करने की उम्र है आपकी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इसको भी ट्राई कीजिए। सर दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे काम आ सके। क्या प्रॉब्लम है, बीवी से मन भर गया क्या? सर एक्चुअली मैं मोना से बहुत ही प्यार करता हूँ, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। एक्चुअली शादी के कुछ दिनों बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण मेरे पेट के निचले पार्ट में चोट लग गई। अब मैं सेक्स करने में काबिल नहीं हूँ, मुझे बहुत ही दुख है। मैं अपनी बीवी को खुश नहीं कर सकता, एक औरत की सबसे बड़ी खुशी दिन में नाकाम हूँ। मुझे बहुत ही दुख है, बहुत ही अफसोस है। I'm sorry. So sad. तीतर तो हमारे राज परिवार में राष्ट्रीय पक्षी जैसा है और इसके बिना तो हमारी जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। आइए प्लीज। Cheers. Let's have fun. Cheers. वाओ, कुछ तो इलाज होगा इसका? सर जिसकी मोना जैसी खूबसूरत बीवी हो उसने इलाज नहीं करवाया होगा, सब कुछ करवाया पर कुछ नहीं हुआ। हाँ वो तो है। सर आपको कैसी लगी सर? मतलब सर मैं जो बोलने जा रहा हूँ मुझे पता वो अच्छा नहीं है, पर मैं अपनी मोना की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर बताइए ना मोना कैसी है। उससे क्या होगा? सर जो मैं उसे काफी देर से तरसारा क्या वो पूरा हो जाएगा। प्लीज सर मेरी मोना को खुश कर दीजिए प्लीज। नाइस। सर मैं देख रहा हूँ कि मोना आपकी तरह बहुत ही अट्रैक्ट हो रही है। हाँ, ये हमारा ही है। सर प्लीज मेरी मोना को खुश कर दीजिए प्लीज। सर मैं आपका जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा सर प्लीज। सर मेरी रिक्वेस्ट है। वाइफ है आपकी? हो वाइफ है तभी तो बोल रहा हूँ सर, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सौंप रहा है उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट है, उसको खुश कर दीजिए। पर हमारे साथ तो रानी साहिबा है, अगर उनको जरा भी पता चला तो
हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सर आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो क्या प्लान किया है आपने इसके लिए? सर बस आप मैडम को बोल के आइए कि आप शिकार पर जा रहे हैं। आप सीधा आगे मुझे बार में मिलिए, उसके बाद आप सीधा मेरे रूम में चले जाइए। मैं पूरी रात वहां पे आपकी वेट करता रहूंगा। प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। साला ब्योड़ा रात भर बैठेगा लगता है। सब ठीक है ना? अरे सर हमारे रहते क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैडम ने आपको शिकार पे जाने के लिए हामी दी या नहीं? भेजती भी क्यों नहीं, आखिर तीतर मैं उन्हीं के लिए तो खाता हूँ। कितने बजे तक वापस आने को बोला? सुबह 5 बजे तक, और सुबह हमें वापस भी जाना है। तो ऐसा करते हैं मैं सुबह तक यहीं पे आपका वेट करता हूँ, आप जाइए, मोना आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज की रात आपकी मोना जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगी। अरे सर मोना मेरी वाइफ है, मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ, आज की रात तो आप नहीं भूल पाएंगे सर। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे सर आप राजा हैं, आपके साथ क्या गड़बड़ हो सकती है? जाइए सर, एंजॉय कीजिए। Finally you trap me, huh? I hope you enjoy last night. Of course, I enjoyed a lot. चलिए सर, जिंदगी के किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। आप जैसे इंटरेस्टिंग लोगों से मैं बार बार मिलना चाहूंगा। Yes, sir. Why not? चलिए हम फिर से मिलेंगे। ऑफकोर्स हम फिर से मिलेंगे। मैंने तुम्हारी इस दोस्त को भी बहुत मजा दिया है, तो अब मेरी डबल अमाउंट तो बनती है, राइट? वाह,
अब गिनने की तो जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। राजा सर, दौलत हमेशा बंद के नहीं रहती, इधर से उधर जाना तो इसकी फितरत में है। राजा को नहीं पता कि रानी ने उसके साथ चीट किया, और रानी को नहीं पता कि राजा ने उसके साथ चीट किया। अब इन दोनों से मैं खजाना लूटता रहूंगा। विकी, तुम जितना अपने आप को स्मार्ट समझते हो ना, उतना हो नहीं। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पैसे देके राजा की सारी दौलत अकेले हड़प लोगे तुम? मैं तो पहले ही समझ गई थी। विकी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं, राजा तुम्हें कुछ काफी इंटरेस्ट रख रहा है, तुम उसे खुश कर दो। मैं तुम्हें डबल अमाउंट दूंगा, वो हमारे काम आ सकता है। तुम्हें डबल अमाउंट चाहिए तो बोल देना। ये साला कुछ तो गेम खेल रहा है मेरे साथ, मुझे डबल अमाउंट में निपटाएगा और खुद लंबा चक्कर चलाएगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ठीक है। मेहनत मैं करूं और फल तुम खाओ, ऐसा होने नहीं दूंगी विकी। अरे राजा साहब, आपको पता है विकी आपके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा था। ये देखिए वायर मैंने कैमरा से पहले निकाल दिया था। सी, अब मैंने आपको इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है, तो अब इनाम तो बनता ही है। आप जितनी खूबसूरत हो ना, अकल से भी उतनी ही खूबसूरत हो। बस यूं ही हमारा ख्याल रखते रहिए, हम भी आपका ख्याल रखेंगे। रखना तो पड़ेगा ही राजा साहब आपको मेरा ध्यान। जिस दिन ध्यान रखना बंद कर दिया उस दिन। विकी, राजा को चेक तुमने दिया, पर मैट मैं दूंगी। मैं